हरे कृष्णा। हमने अपनी लास्ट क्लास में पार्ट 10 गोपी की बुक एक्सरसाइज और शब्दार्थ किए थे। आज हम बची हुई बुक एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही इसके प्रश्नोत्तर भी कॉपी में लिखेंगे। सब बुक में ध्यान दो। गोपी पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, जाता है, उसी तरह वह निम्नलिखित कामों को करने के लिए कहाँ जाएगा? शाम को खेलने के लिए पार्क में, जूते बनवाने के लिए मोची के पास, फल लेने के लिए फल वाले के पास, मिट्टी का घड़ा लेने के लिए कुम्हार के पास। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब अंदर चलो। कब कहते हैं? जब हम बहुत ज्यादा बाहर खेलते हैं। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। ऐसा कब बोलते हैं? जब हम बहुत शोर मचाते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत टीवी देखते हैं। बहुत हुआ, अब उठ जाओ। जब हम बहुत सोते हैं। अक्सर ये वही शब्द है ना जो अक्सर आपको आपकी मम्मी पापा भी घर पे बोलते होंगे, जब आप बहुत ज्यादा टीवी देखते होंगे या बहुत देर तक सोते होंगे, तब अक्सर हमें ऐसा सुनने को मिलता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, या आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोपी स्कूल क्यों नहीं जाता था? गोपी के माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए गोपी स्कूल नहीं जाता था। कॉपी और पेंसिल के बिना गोपी ने कैसे लिखना सीखा? कॉपी और पेंसिल के बिना गोपी ने मिट्टी की जमीन पर उंगली से लिखना सीखा। मास्टर जी ने गोपी के पिताजी को क्या यकीन दिलाया? मास्टर जी ने यकीन दिलाया कि गोपी को कॉपी, किताबें, पेंसिल और बाकी की सारी चीजें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब आप इन सभी प्रश्नोत्तर को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।